खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज जिले में काशी और गोरखपुर क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्ष 2014, 17, 19 और 2022 का चुनाव जीते थे, उसी की तर्ज पर 2024 का भी चुनाव बीजेपी जीतेगी। बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और उसी के आधार पर वो आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 400 सीटें जीतने का दावा किया था, क्या परिणाम निकला है? उनकी 2012 से 17 तक की सरकार अराजकता के भेंट चढ़ गई थी, गुंडा माफिया हावी थे। पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अपराध है, इसीलिए भारी संख्या में लोग यहाँ निवेश करने के लिए लालायित हैं। सरकार यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार अपने ही प्रदेश में दिलाने का भरसक प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बिजली के लिए 24 घंटे जिला मुख्यालयों को, 20 घंटे तहसील मुख्यालयों को और 18 घंटे गांव को बिजली देने का निर्देश दिया गया है। पहले की सरकार में केवल 4 जिलों में बिजली पहुँचती थी, जिसमें रामपुर, इटावा, अमेठी और रायबरेली था। ऐसा है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारा कमिटमेंट है और हम इन विषयों को लेकर सरकार में आए हैं। जनता ने हमें चुना है। हम आप 2012 से 17 तक तुलना करो, क्या स्थिति थी बिजली की? केवल 4 जिलों को बिजली मिलती थी, रामपुर को बिजली मिलती थी, इटावा बिजली मिलती थी, लखनऊ और अमेठी रायबरेली बिजली मिलती थी। हमारी सरकार आने के बाद योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट एक साधना शासनादेश जारी करके बगैर किसी भेदभाव के बिजली के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था हमने लागू की। हम सभी मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देगी सरकार, गांव में 18 घंटे देगी, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे देगी। एक बिल्कुल स्पष्ट मंशा के साथ शासनादेश है और बगैर किसी भेदभाव के, कोई हमारा समर्थक है, कोई वोटर है, कोई हमारा विरोधी है, गोरखपुर में भी उतनी बिजली मिलेगी, बनारस में भी उतनी मिलेगी और आजमगढ़ में भी उतनी मिलेगी। इन लोगों ने भेदभाव किया राजनीति। हमने बेहतर कनेक्टिविटी दी है, हमने बेहतर सड़कों की व्यवस्था की है और बेहतर कानून के राज के साथ आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी बात, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। समाजवादी पार्टी को अपने कालखंड के जो उन्हें अनुभव होंगे उसकी चर्चा वो लोग करते हैं। 2012 से 2017 तक वो सरकार में रहे, किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के समर्थन में खड़ी रहती थी। आज उत्तर प्रदेश में मोदी जी के राज, योगी जी के राज में एक भी दंगा पिछले 7-6 वर्षों में नहीं हुआ है और आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। आज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के वादों और दावों पर सपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आजमगढ़ आए थे तो आजमगढ़ की ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मरीजों से वसूली, जिला अस्पताल में उनकी पार्टी के व्यक्ति द्वारा दलाली और मारपीट करने को लेकर हिंदू जागरण मंच के आरोप पर भी कुछ सफाई दे जाते। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि योगी सरकार में जाति विशेष के माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि यूपी पुलिस चांदी लूट रही है, आईपीएस अधिकारी व्हाट्सएप कॉल से वसूली कर रहा है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा के नाटक को समझकर उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। इसी तरह से 2024 में देश की जनता इनको दिल्ली की सत्ता से बाहर करने जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी आजमगढ़ आए थे और आजमगढ़ में कम से कम वो ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था पर कुछ बोल जाते, सरकारी अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मरीजों से वसूली और उसमें दलालों का अतिक्रमण के मामले में भी कुछ बोल जाते। अभी चंद रोज पहले हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष किस तरह से जिला अस्पताल में दलाली का काम कर रहे हैं, तो पूरा जिला अस्पताल, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, पूरी विद्युत व्यवस्था इस जिले की बिल्कुल चरमरा गई है। रह गई बात कानून व्यवस्था की, यही उत्तर प्रदेश है जहां औरैया में पुलिस के लोग एक स्वर्णकार से चांदी लूटते हैं 50 किलो और उनके घरों से चांदी बरामद होती है। इसी उत्तर प्रदेश पुलिस में आईपीएस
व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से वसूली करवा रहे हैं। तो ये है प्रदेश की कानून व्यवस्था। पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि सत्ता एक जात विशेष के माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, जिस तरह से कर्नाटक की जनता भारतीय जनता पार्टी के नाटक को समझकर सत्ता से बाहर कर दी कर्नाटक में, उसी तरह से पूरे देश की जनता आपको 2024 के चुनाव में दिल्ली के सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।